हेलो 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 बिल्कुल फोटो ले लीजिए। हाँ ले लीजिए। अब आ जाओ ना फोटो। हेलो यस रेड स्मार्ट लास्ट लास्ट एक छोटी बाइट कर लेते हैं। बाय बोले गुड टू सी यू मैडम एंड बताइए ये मत्स्य कांड होने वाला है। आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट है तो बताइए कि कितने मत्स्य कांड। हम यहाँ पे हमारे भाई रवि के लिए एंड ट्रेलर्स बहुत अमेजिंग लगे जो इतना वर्सेटाइल एक्टर है रवि। ऐसा हमने हमेशा देखा उसके हर एक शोज में। अब तो प्रोड्यूसर भी बहुत बड़ा बन गया है तो अब तो दोस्ती और अच्छी रखनी है हमें प्रोड्यूसर से। किडिंग इट्स अ जोक बट या आई लव हिम। मेरा भाई है एंड उसके जो भी चीज़ करता है बहुत अमेजिंग बहुत अलग करता है। सो दैट्स वाई हम दोनों यहाँ आए कि यहाँ पे एक एपिसोड देखें उसके बाद सारा घर जाके कंप्लीट करें। रवि ऑब्वियसली ही ऑलवेज डज ग्रेट वर्क हमेशा ही और इसके ट्रेलर्स बहुत अच्छे थे। सो व्हेन ही इनवाइटेड अस वी वर वेरी हैप्पी टू कम सपोर्ट हिम। ये बहुत डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट कैरेक्टर में देख रहे हैं तो आप बताइए कि व्हिच इज योर फेवरेट एंड अभी तक मैंने देखा नहीं है। देख के हम अपना फेवरेट पर ये कितने सारे देख के लग रहा है कुछ कॉनमैन जैसा कुछ। रवि ने मैं जब रवि से मिला था 3-4 महीने मिले तो ही वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। सो उसने बोला था कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऐसा करके एक मेरा शो आ रहा है जिसमें मैंने काफ़ी सारे किरदार किए हैं तो तब से मैं थोड़ा एक्साइटेड था कि मैं देखूँ एंड लेट्स सी जो भी अच्छा लगेगा। इसमें से कौन सा वाला रवि अच्छा है वो हम आपको भी बता देंगे। बिल्कुल आप बहुत ध्यान से देख रही हैं तो आप जरा बताइए कि अब आपको। मुझे सभी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एंड आफ्टर द सीरीज ही एक मतलब मैं अपनी चॉइस ऐसे बता पाऊंगी। यू नो अब महाराष्ट्र में हम देख रहे सिनेमा घर भी ओपन हो चुके हैं सो फिल्में भी आ रही हैं ना। बताइए कि आने वाले दिनों में क्या कुछ पाइपलाइन में हम देखेंगे आप लोगों के। जी नहीं हम हमें देखेंगे नहीं देखेंगे लेकिन हम थिएटर ज़रूर देखेंगे। तो अभी सूर्यवंशी देख लिए और जो भी अगली आएगी वो देखेंगे और हम चाहेंगे आप हमें जल्दी थिएटर में देखिए। थैंक यू। ओके थैंक यू जी थैंक यू। Yes. Yes, ma'am. I don't get paid to come in first of all. Now you need to कर दे। अच्छा। अच्छा। Yeah, so dear, you are not mean at all. Hello, good to see you. Thank you. Good to see me, नहीं good to see Matsya Kaand. मत्स्य कांड बिल्कुल तो आपने तो देखी होगी। मैंने पूरी देखी। वाह आई बिंज वॉच्ड इट। तो मैं तो आपको कुछ भी बता सकती हूँ सब कुछ बता सकती हूँ। मैं सुबह से एक एक चीज़ की डिटेल दे रही हूँ रवि को। ये अच्छा था ये नहीं अच्छा था ऐसे अच्छा लगा ये नहीं अच्छा लगा बट इट्स एन एक्सेलेंट सीरीज़। इनफैक्ट उसने मुझसे बहुत बार पूछा कि तूने ये गेस किया एंड आई टोल्ड हिम आई कुडंट गेस अ सिंगल थिंग। एक भी चीज़ एज अ मैंने ना सुनी थी कहानी ना मुझे पता कि क्या था कहानी में। आई वॉज एज गुड एज अ व्यूअर जैसे आप हैं। तो मैंने देखा और एवरी टाइम मैं एक एपिसोड क्या एंड आई लव्ड इट। और लास्ट एपिसोड तो किल कर देता है। इट्स अ सुपर्ब शो बिकॉज जेन्युइनली बहुत ही सुपर्ब शो है। मैंने रवि को बोला मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मैं आपका हर शो पूरा देख सकती हूँ। जो शो मुझे लगता है ठीक है वो बीच में छोड़ भी देती हूँ। मैं कहती हूँ कि बड़ी टाइम लगेगा अभी मेरे को कंप्लीट करने में बट ये वो मुझे रात को वो सो गया मैं फिर भी देख रही थी वो उठा मैं फिर भी देख रही थी। सो आई हैव वॉच्ड इट बिंज वॉच्ड इट। ऑफ कोर्स क्योंकि मैं रवि की वाइफ मुझे सबसे अच्छा रवि लगेगा तो हमें रवि साइड पर रखना पड़ेगा ताकि मैं बाकी चीज़ों की अच्छाई कर सकूँ। In the technical department, the cinematographer has done an amazing job. इतनी अच्छी मतलब इतनी फ्रेशनेस है ना, एक नई जगह पे आपको लेकर जाते हैं. द डायरेक्टर हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब. पीयूष मिश्रा जी, ओ माय गॉड. रवि किशन, ओ माय गॉड. एवरीबडी, यू नो, जब कोई चीज़ अच्छी बनती है ना तो सब परफेक्ट होता है, इसीलिए वो अच्छी लगती है. एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट. यहाँ कौन सा फेवरेट है, मुझे पता है कि वो कितने डिफ़िकल्ट थे करने. सो यू नो, इट्स एक उनका सीन है होटल रूम में जहाँ वो बुढ़े बन के बैठे हुए हैं ना, ऐसे करके. आई थिंक दैट्स माय फेवरेट लुक ऑफ हिज. वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो ये वाला लुक है, तो दूसरा लुक है. हाँ वो नहीं, वो यही वाला लुक है. करेक्ट, वो यही वाला लुक है. हाँ तो क्या अच्छा नहीं लगा? क्या अच्छा नहीं लगा? आई विल नॉट बी, मैं जेन्युइनली, मैं एक्चुअली मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं थी क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था शो के बारे में. मुझे था हाँ रवि एक शो कर रहा है, अच्छा शो है, वो कह रहा है अच्छा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. बट जब मैंने देखा तो मैं जेन्युइनली मैं सरप्राइज हो गई कि वो कितना अच्छा है. सो आई विल नॉट बी एबल टू पिन पॉइंट अराउंड इट. एक आखिरी सवाल, वो भी सिर्फ आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कितने स्टार देंगे अपने? 10 में से 100. Oh my God. So you. ये तो infinity वाली बात है. हाँ. Thank you so much and good luck for us. Thank you so much. तुम आए नहीं पहले, अब पहले आवाज सुन लेती है ये बात. सारे लोग तूने ले ली थी. हाँ, गुड टू सी यू टू गाइज, बड़े दिनों के बाद. अरे मस्त है यार, खतरनाक कांड है. और अपना रवि है, रवि ऐसे मतलब रूप बदलता है जैसे पता नहीं क्या. ऐसा लग रहा है कि यू नो उसके पास वो देन है, वो कोई भी रूप में कोई भी डिस्गाइज में घुस जाता है और इतना अच्छा करता है. अभी तो हम लोगों ने पहले ही देखा, पहला जैसे कि उसने खुद में अंदर कहा कि इट वॉज सेटिंग अप, इतना सेट किया है, बहुत अच्छा है. सुपर पे अभी आगे का देखना पड़ेगा. जानबूझ के उसने पहला दिखाया, हाँ जानबूझ के, ताकि हम आगे का क्या हाल है आगे का घर जाके देख सकें. यहाँ तक नहीं पहुँचे अभी तक, यहाँ तक नहीं पहुँचे अभी तक, वो दूसरे लुक तक पहुँचे, लेकिन अच्छा था जो भी था. मैं तो यार एज इट इज़ रवि अपना फेवरेट है, तो जो लुक करेगा वो उसमें अच्छा है, जो काम कर रहा है उसमें अच्छा है. हम चाहते हैं कि यार ऐसा काम हो, और ऐसा एक क्या होता है कि हर एक्टर का ऐसा होता है कि एक ऐसे करें तो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए. यार अब होगा तो आगे ऐसा ही होगा, आगे होगा ऐसा होगा, और इससे अच्छा काम करना है ऐसा. थैंक यू यार, थैंक यू. अपने पुराने लोग इतने सारे मिले, थैंक यू थैंक यू. गुड लक टू यू. अरे ये मेरा पुराना हो गया, नया लेना है. मैम यार तुमने पहले बुला लिया होता ना, चले भाग गए हो तो मौका मिलता ना भाग जाती है, मौका मिलता भाग जाती. थैंक यू. आपने मत्स्य कांड अगर आप बता सकें कि कैसा लगा आपको, और रिएक्शन? मतलब रवि ने जो परफॉर्मेंस किया है, अभी तो एक ही एपिसोड दिखाया है, और ऐसा किया है कि मुझे अभी घर जाके पहले MX प्लेयर पे देखना है मत्स्य कांड. mind-blowing performance, very well written, and अभी ऐसा लग रहा है कि एक ही एपिसोड क्यों दिखाया. आगे देखूंगी. सस्पेंस बना के रखा है और ऐसे पॉइंट पे लाके रखा है पहला एपिसोड कि आई एम श्योर सारे मतलब इस सीजन का जितने सारे एपिसोड्स हैं सब एक बार में देख लेंगे. बहुत ही इंटेंस परफॉर्मेंस और ऐसा नहीं लगा कि मैं ये एक वेब सीरीज देख रही हूँ. The production, the look, everything is nothing short than a movie. बहुत अच्छा डायरेक्शन, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग, परफॉर्मेंसेस तगड़े. तो ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं है. दिस इज अ वेरी जेन्युइन ओपिनियन ऑफ माइन. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू जी, थैंक यू सो मत्स्य कांड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर रवि दैट ही इज़ डन दिस शो. ही वाज अमेजिंग इन द शो. उन्होंने जितनी मेहनत की है वो उभर के आई है. रवि ने इस शो में ऐसा दिख भी रहा है पोस्टर में भी कि उसने इतने सारे रोल्स किए हैं, उसने इतने सारे अवतार किए हैं. और आई थिंक इन एवरी हम लोगों ने तो अभी तक एक ही एपिसोड देखा, उसमें उसने 2 रूप लिए हैं. बट ही इज़ लुकिंग वेरी नाइस एंड ही इज़ प्लेइंग दिस कैरेक्टर ऑल्सो वेरी वेरी वेल. सो वी आर होपिंग मतलब वी आर वेटिंग टू सी द नेक्स्ट. मतलब घर पे जाके हम सारे एपिसोड्स आज रात को खत्म कर देंगे. ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग है. एक तो वो थ्रिलर और थोड़ा सा आ जाता है ना उसमें, वैसे ही है ना एक्साइटिंग हो जाता है. आपको पोस्टर में डिफरेंट डिफरेंट लुक है तो अगर आपको पता सके कि आपका फेवरेट कौन सा वाला है. देखिए हमने एक ही देखा है और एक एपिसोड में मुझे जो बहुत ही अच्छा एक शॉट जो मेरे दिमाग में रह गया वो आई थिंक मिट्टी से लथपथ थे और उनके ऊपर पानी डाला गया था. दैट शॉट वाज अमेजिंग. उसमें है वेरी नाइस शॉट और बहुत ही ज्यादा राइट. और दोनों आंखें खुलती और एक आंख ऐसी लाल है और एक थोड़ी आधी बंद है. ब्रिलियंट शॉट. वेरी वेरी नाइस. आई थिंक आप लोगों को जाके देखना चाहिए. ये कैसा? ओके स्टार्ट शेयर नाउ. क्या तो दिख रही है. मेरा बैग भी आपको छोड़ना चाहिए. You are looking happy. This is fine. This is good news. I'm always happy. That's not true. You're looking happier. Yeah, I'm happy. What is your favorite? Mine, I can't. Should I get up? Ravi bhai. चाहिए जल्दी से आइए. चलिए आप प्लीज. Yes sir, yeah. Dada. Ravi. वो around पीछे. Yes. The highway is filled with people. Yeah, you see? Yeah. Chal, I just came from. This was 2 minutes. So sure. Actually, we शुरू करवा देते हैं. मैं बाहर आई हूँ. Good to see you. Thank you. कहते ना कि वाइफ जो सबसे आप जज करती है तो इन्होंने जज कर दिया आपको आपके मत्स्य कांड को बहुत पसंद आई. तुमने बोल लिया क्या? मैंने सब बता दिया. सब बता दिया. देख लिया बोला कि सुबह तक सब देख लिया. हाँ, इसने तो 1.5 दिन में पूरा 11 एपिसोड सर ने देख डाले. और मैं आपको सच बताऊँ तो इसने जो मेरे बिल्कुल आप बता सकते हैं उन्होंने आपकी सारी जो बाकी शोज जो थे वो सरगुन इज़ वेरी शी इज़ द मतलब एकदम वो जो एकदम चुभने वाली critique है वैसा चीज़. तो आई एम ऑलवेज वेरी स्केयर्ड ऑन यू नो व्हेनेवर द प्रोजेक्ट इज कमिंग. और भी सरगुन क्या बोलेंगे ना उधर. हाँ, जब मुझे इसका शो देख के अच्छा नहीं लगता मैं इसको बोल देती हूँ कि मुझे नहीं मजा. मुझे भी घबराहट होती है कि मैं नहीं देखूँ क्या, कि मैं कि मुझे देखना पड़ेगा क्या ऐसे वाला. बट इसमें किसी को मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. बट यहाँ पर तो आपको सारे एपिसोड आई थिंक सुपर. आई लव्ड देम. मैं अभी एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा कि बेस्ट एपिसोड क्या था इनके डायरेक्टर ने, तो मैंने कहा भीष्म पितामह. मैंने कहा नहीं चौसर. मैंने कहा नहीं युयुत्सु. मैं लिटरली आई कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और आई थिंक एक टाइम के बाद मैं सारे 11 एपिसोड का नाम ले लूँगी. रवि जी ऐसे वाइफ को तारीफ करते हो मैंने बहुत कम देखा है, लेकिन यहाँ पर नहीं मेरी वाइफ बहुत तारीफ करती है. जब मतलब तारीफ के काबिल होता हो तो तारीफ करती है, वरना. तो बताइए आपके दोस्त सभी यहाँ पर आ रहे हैं, सभी देख रहे हैं, सभी का रिएक्शन बहुत लाइक सुपर था. तो बताइए और आपसे क्या कुछ रिएक्शन है? रिएक्शन इज वेरी पॉजिटिव एंड इट्स वेरी पॉजिटिव. मैं जस्ट कुछ दिनों में आपको मतलब पता चली जाएगा. बट इट्स वेरी इनकरेजिंग. अगेन कि आपका जो फेवरेट वाला लुक है अगर आप बता सकें. दिस वुड बी माय फेवरेट लुक, दिस वन. ओके. प्रोस्थेटिक्स वाला वैसे तो कई सारे हैं. ये वाला वो लुक है जिसमें आप होटल रूम में होते हो? नहीं बेटे, दैट्स द वन इन व्हिच ओके. तो अभी का एपिसोड बता दूं. देखने के बाद भी सस्पेंस है कि ये वाला लुक है, क्योंकि एक्चुअली क्योंकि इतने लुक्स हैं आप खुद भी 1 मिनट के लिए वो हो जाएंगे कि भाई इतने लुक्स है ना कि ही इज डन देम सो फैबुलसली. इनफैक्ट इन्होंने एक एक्सेंट एक डायलेक्ट भी पकड़ा है, वो भी बहुत कमाल है. और वो बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे जब कोई डायलेक्ट पकड़ता है ना, कभी ये भी इसने एक बार ही जमाई में कोई और डायलेक्ट पकड़ा था. मैंने कहा था अच्छा था पर 9/10 था, वी कुड हैव डन बेटर. बट इसमें उसने डायलेक्ट भी 10/10 पकड़ा है. एंड आई थिंक दैट इट एड्स एवरीथिंग एड्स टू द कैरेक्टर. ही स्किल्ड इट. नहीं बनता है वो. आप जाके देखेंगे तब बनता है, ऐसे नहीं बनता है वो. यू प्लीज वॉच द शो. कलाकार है ये, कलाकार कांड कर गए. कांड कलाकार. तो बताइए इसके बाद मत्स्य कांड के बाद और कौन सा कांड करने वाला है? और ऑडियंस चाहती है कि आप दोनों साथ में ऐसा कोई कांड करके निकले जो अच्छा हम लोग कर ही रहे हैं. मतलब वी आर प्रोड्यूसिंग स्टफ टुगेदर. जहाँ तक रही बात स्क्रीन पे आने की, जब अब तक जब भी कोई स्क्रिप्ट आई है वो उसमें कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आई है जो कि जिसमें कि हम कूद पड़े और बोलें कि नहीं हमें करना चाहिए. बट इन ड्यू टाइम आई थिंक व्हेनेवर देयर इज अ स्क्रिप्ट वी आर प्रोड्यूसिंग नाउ. सो अगर कोई ऐसी कहानी हुई जिसमें लगा कि हम ही वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो हम ही करेंगे. म्यूजिक वीडियो देखेंगे साथ में. हे मेरे रब, मुझे तो म्यूजिक वीडियोस का समझ में नहीं आता. हम बहुत कम करते हैं. मैं लिटरली पता नहीं कैसे ही कर लेती हूँ. और रवि तो बहुत कम करते हैं वो फिर हाँ तो करो लोगों की जवाब करो तो फिर वही बड़ा धमाका करो ना. सरगुन बड़े धमाके करती है. छोटी फुलझड़ियाँ जलाने का कोई मतलब नहीं. थैंक यू सो मच. फिर टोपी लेंगे, फिर मास्क, फिर चश्मे. लग रही है आपको पूरा घर आओगे तो वार्डरोब साथ आएगा. ये सर ये स्टील सर. थैंक यू जी. आप पकड़ना कैसे हैं आप? बढ़िया। बताइए कि कैसा लगा आपको ये मत्स्य कांड? जिस तरह का सेटअप है, मतलब जो स्टोरी का सेटअप है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत इंटेंस है और आई थिंक पहले ही एपिसोड में ग्रिप पकड़ने वाली ये वेब सीरीज़ मुझे लगी है। एंड एक्चुअली मैं रवि का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मेरी स्क्रीनिंग मैंने रखी तो प्लीज़ आइए। एंड जिस तरह उन्होंने बोला, इनफैक्ट मैं रवि से शायद दूसरी या तीसरी बार ही मिल रहा हूँ और रिसेंटली हमारी एक सैलॉन में मुलाकात हुई थी जहाँ पे उन्होंने मुझे हमारे नंबर्स एक्सचेंज हुए एंड मुझे बट बहुत बढ़िया लगा। डिफरेंट लुक है उनका, कि व्हिच इज योर फेवरेट? एंड मुझे एक दाढ़ी वाला लुक बहुत बढ़िया लगा जो अभी फर्स्ट ये, बट इसमें पूरा एक ये नहीं यार, एक्चुअली वो लोग शायद यहाँ नहीं है। वाइट एंड वाइट पहना था उन्होंने, पूरी ऐसी दाढ़ी थी एंड चश्मा था एंड आई थिंक इट वाज वेरी इंटेंस, आई लव इट। आपका क्या कुछ प्रोजेक्ट हम देखेंगे पाइपलाइन में, कब रहना है? देखिए, मैं सिंगर हूँ और मेरे गाने, मैं कोई वेब शो फिलहाल नहीं कर रहा हूँ बट मेरे गाने आते रहते हैं एंड थोड़े ही दिनों पहले गर्मी की रात मेरा जो गाना आया था वो आया था एंड अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट गाना कौन सा करना चाहता हूँ। 2-3 गाने हैं, उसमें से कौन सा गाना मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा धीरे धीरे टाइम लेके करता हूँ चीज़ें, सो जस्ट वेटिंग कि जो मुझे उस पर राइट सॉन्ग लगेगा वो मैं करूँगा। वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दैट। थैंक यू सो मच। आपको भी। सरगुन जी आ जाओ ना, 1 मिनट आ जाओ। मैं रवि को ढूंढ मिला क्या? तुम कब आओगे अगले साल? निया जी, ओके निया जी, बीच में यस, ये गिव अस अ ब्रेक। क्या बात है निया जी सेंटर बोता गयो हम जस्ट निया के साथ फोटो खिंचाने का 2 दिन खाना खाना। डोंट वांट टू गेट। आराम से यस प्लीज। मैम नियम एपिसोड ऑफ मत्स्य कांड। मैं काफी टाइम से रवि को जानता हूं। अभी चलो ठीक है, मैं माइक लगाऊंगा ना, मेरा काम है। बाजी इधर क्या सरगुन एवरी नोबडी मेक श्योर कांटेक्ट। बाजी आप कुछ कह रहे थे? यार मैं ये कह रहा था कि मैं काफ़ी टाइम से रवि को जानता हूँ। वी बीन फैमिली फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स नाउ। और हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे काम, एक दूसरे कहीं ना कहीं फॉलो कर सकें, स्टूडियो पहुँच सकें। आज पहली बार हम ऐसे प्रॉपरली काम के सिलसिले में मिल पाए हैं एंड आई एम रियली 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 प्राउड ऑफ माई फ्रेंड। एंड मैं सच बता रहा हूँ आपको, जो मैं अदरवाइज बातें सुनता हूँ ना रवि के मुंह से, वो इतनी कन्विक्शन से सुनता हूँ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की, वो मैं सारी की सारी अंदर देख के आया हूँ। हैड अ ग्रेट टाइम ब्रदर, आई लव यू। प्लीज सी द एंटायर। Absolutely. पहला एपिसोड देख लिया है गाइस। 18 नवंबर मेरे बर्थडे और दिन बाकी एपिसोड घर जाके देखता हूँ। एंड गाइस यू ऑल वॉच इट नाउ। ये ढेर सारे लुक हैं तो आप बताइए जरा कि यार देखो ऐसे देखो ऐसा ही सारे सब इंद्राज आई थिंक जो मत्स्य कांड के सारे लुक हैं है ना, आई थिंक मुझे लगता नहीं है अगर इसमें 10 और ऐड करते रवि को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जीरो मैं यही एक्चुअली बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं इतनी सारी अलग अलग जगहों की और अलग अलग यू नो प्रोफेशंस की बातें सुन चुका हूँ रवि से, दैट इज आई थिंक इट्स अ केक वॉक फॉर हिम। एंड MX प्लेयर पे जल्दी से जल्दी जाके देख लीजिए, यू नो यू डोंट हैव टू प्लग इन दैट, मुझे याद है वो, डोंट वरी, दैट्स द थिंग अबाउट मैंकर, वो इंडिया में आ जाता है इस तरह कुछ बात होता है। मैं रिपीट करूंगा ऐसे पूरी की पूरी बात है ना, यहाँ से लो ठीक है। ये जो आप सारी बातें बोल रहे हो ना कि इतने सारे रोल्स, मैं यही आपको बोल रहा था कि जब मैं और रवि अकेले बैठ के बातें करते हैं किसी भी क्षेत्र में, रवि से बात कर लो उसको पता होता है हमेशा। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन दैट्स अ केक वॉक फॉर हिम। आप 10 और बीच में ऐड करा देते वो भी कर लेता। सो MX प्लेयर पर अभी इसी वक्त जाके देखो मत्स्य कांड, ओनली फॉर रवि दूंगा। ऐसे जब लाइव तारीफ होती है क्या फील करता है, रिएक्शन होना चाहिए। हम्बल एंड ग्रेटफुल, मेरे छोटे भाई हैं, मुझे एक्चुअली हमार उम्र में बहुत छोटा है, यू जो एटलीस्ट 5-6 years, 3-4 years का, या व्हाट यू डिड व्हाट आर यू, आई एम 34, आई जस्ट टर्न 34, हां सो दैट्स 5 years। So I think ये जो भाईचारा है वो तो हमेशा है ही, हमेशा। So it's I have a lot of respect for Apar's craft. I have a lot of respect for what he brings to the screen. I've always had that. I've been very verbal about it in front of him. So आज अपार बात कर रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। हमारे घर पे जब भी बात होती है सरगुन रवि की, you know इतनी बार डिस्कशन हो चुका है इस बारे में that how Ravi is, पहले तो उनका लैंग्वेज पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे एंकरिंग हो, आई थिंक वो इतना टिका के बोलता है। So I think that's one thing everybody, you know, actors of today's generation will take it from. God bless you, brother. Thank you, thank you, thank you. Paji. Thank you. पांडे हो गया, आप इनकी लास्ट है तो आप फटाफट देख लीजिए। हाँ मेरे को जाना है, लेट हो गया। कम बस इधर ही सामने। ओ माय गॉड, रवि अच्छा सब अंदर है, सभी अंदर ही हो गए, मैं लेट हो गया। शांतनु इधर देखो, शांतनु ये क्या है हमारी घड़ी की जो बिलिंग है वो। यस शांतनु भाई इधर गुड टू सी यू निया जी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है आपका। उससे पहले जाना चाहूँगा वेल, एक तो पहली बार मैं रवि से अलग उसके थिएटर में आई हूँ, एक्चुअली उसकी जमाई राजा से हटके, बिकॉज 7 साल हमने साथ में काम किया। आज पहली बार मैं रवि को सोलो स्क्रीन पे देखने आ रही हूँ एंड मत्स्य कांड सीरीज मैंने इतना सोचा नहीं था, बट एवरी फ्रेम हैज हिम एंड ही सो पावरफुल, ही सो गुड। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ या फिर मुझे बोलना है या मुझे कोई, बट ही इज़ रियली डन अ गुड जॉब। और ये सिर्फ फर्स्ट एपिसोड था, मैं बाकी के सारे देखूँगी, बट हैट्स ऑफ टू हिम यार, वो हर एक चीज़ में जितना एफर्ट डालता है मेरे से इट्स कमेंडेबल। और नहीं है यार, आई मीन देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड आई थिंक ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट। ये डिफरेंट लुक है, अगर आप बता सकें कि आपका फेवरेट वाला कौन सा है। फेवरेट वाला मैंने सिर्फ फर्स्ट एपिसोड देखा, बट आई थिंक ये रवि का पूरा, दिस इज रवि ऑल अबाउट, यू नो ही लाइक्स टू प्ले विद लुक्स, ही लाइक्स टू प्ले विद कैरेक्टर, ही लाइक्स टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड एवरी लुक ऑफ हिज इज सो इंटेंस। और एक फर्स्ट एपिसोड में ही देयर आर लाइक 10 डिफरेंट दिस थिंग्स, सो बहुत मेहनत की है उसने और वो दिख रही है स्क्रीन पे, यू नो राइट फ्रॉम द वर्ड। सो हैट्स ऑफ टू हिम। अगर आपके आउटफिट के बारे में अगर आप बता सकें कि ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है तो अगर आप बता सकें। नो आई जस्ट ड्रेस्ड अप एक्चुअली, मैंने कोई सारा सोचा नहीं, आई लाइक टू बी कैजुअल एंड इफ आई एम लुकिंग नाइस सो थैंक यू एंड दैट्स द स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर गुड लक। गुड टू सी यू आदित्य जी, तो बताइए कि कैसा लगा आपको मत्स्य कांड। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पहला एपिसोड था, और रवि बहुत हार्ड वर्किंग है और जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना 110% देते हैं। मुझे रवि किशन जी भी बहुत पसंद है और काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, ज़रूर मैं घर जाके इसको कंटिन्यू करूँगा। माय बेस्ट विशेस टू द एंटायर टीम, बहुत प्रॉमिसिंग शो है, ये डिफरेंट लुक है उनका। जी, आपका फेवरेट वाला कौन मैन प्ले कर रहे हैं वो, और अभी तो पहला ही एपिसोड देखा है, तो आई एम श्योर कि बहुत सारे उनके रूप देखने के लिए बाकी हैं, बट बहुत एक्साइटेड हूँ एंड इट्स वेरी इंट्रीगिंग, सो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग द शो। थैंक यू। इसके बाद आपको देखिए, आप बताइए कि लगा आपको ये मंच से कहाँ? मुझे बहुत अच्छा लगा मत्स्य कांड। आई मीन मुझे बैकग्राउंड स्कोर कुछ कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड ऑब्वियसली रवि भाई की परफॉर्मेंस। फर्स्ट एपिसोड है, बिल्डअप है, स्टोरी का बिल्डअप है, तो मज़ा आया देखकर। एंड व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज जब ख़त्म हुआ एपिसोड तो इट फेल्ट लाइक कि हाँ सेकेंड एपिसोड आई वुड वॉन्ट टू वॉच, सो मे बी once I go back home I will like binge watch 2-3 more episodes, so ऐसा कुछ। and excited to know मतलब see him in different roles जो कि मैं बाकी episodes में देखूँगा because I could just see first episode and yeah super happy for him and big congratulations to him। look बताइए आपका favorite वाला कौन सा लगा? अभी तो मैंने सारे देखे नहीं है, जैसा मैंने कहा कि first episode है, बट फर्स्ट एपिसोड में भी आपको काइंड ऑफ 3 लुक आपको दिखते हैं, तो जो द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन फर्स्ट टाइम आफ्टर मत्स्य से मैं क्या बोलूँ, कांड जो उनका फर्स्ट अध्याय जब शुरू हो रहा है, सो द वे ही इज लुकिंग इट्स क्वाइट ही हैज सम काइंड ऑफ स्वैग इन इट, सो या आई लाइक। क्या कुछ चल रहा है पाइपलाइन में? हाँ, मैं आई कांट रियली टॉक अबाउट एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो चल रहा है, बट आई एम हैप्पी कि आई एम वर्किंग एंड म्यूजिक वीडियो है, शॉर्ट फिल्म है, सब फॉर्मेट में कुछ ना कुछ है, बट इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट अलाउड टू से एनीथिंग, सो but I'm so happy to meet him after such a long time and to see something like this. MX Player has come up with something like this, which is good and interesting to watch. Thank you, अच्छा लगा तुम्हें?